Hello students, I am Gurvinder Kaur, senior faculty Abhimanyu IAS. A very warm welcome all of you in this session. और आज हम यहाँ पे PCS के लिए PVI को डिस्कस करते हैं फर्दर, राइट? 69 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम 70 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट. हाँ जी, तो क्वेश्चन को रीड कीजिए स्टूडेंट फटाफट से एंड देन आंसर इट. हाँ जी, सबसे पहले रीड कीजिए क्वेश्चन को. क्या क्वेश्चन है? ऑन 28 सितंबर 2015 इंडिया साइंड 133.5 मिलियन लोन अग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक. ADB जो बैंक है, राइट, उसके साथ एक लोन अग्रीमेंट साइन होता है. द लोन विल बी यूज फॉर अपग्रेडिंग टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. कहता है उस लोन को हम यूज़ करेंगे टूरिज्म को, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने में, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को. तो कौन कौन से स्टेट हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन, राइट? तो थोड़ा मैं स्क्रीन ऊपर कर देती हूँ. हाँ जी, अब आप यहाँ से ऑप्शन को चूज़ कीजिए स्टूडेंट, ठीक है? तो अगर आप उस टाइम पे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट? सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, जम्मू कश्मीर नहीं है इसमें, बाकी तीनों स्टेट्स जो हैं स्टूडेंट वो तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं. सो ऑप्शन बनेगा हमारा 1, 2 एंड 3, राइट स्टूडेंट? तो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने लोन लिया ये, ठीक है? तो डू कमेंट स्टूडेंट, ADB जो बैंक है वो कब बना था, ठीक है? ये कब एस्टेब्लिश हुआ, क्या इंडिया मेंबर है ADB का, ठीक है? तो ये आप कमेंट कीजिए, राइट? ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो 71 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. हाँ जी, 71 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टूडेंट फटाफट से. हाँ जी, तो क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट यहाँ पे फटाफट से. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज डिक्लेयर्ड ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, ठीक है? RBI जो है उन्होंने डिक्लेयर किया है किस बैंक को सिस्टमिकली डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक, DSIBS. ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है? मैंने बहुत बार देखा है ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं स्टूडेंट. सो आप इन ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं. तो कहता है एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो कौन से बैंक है हमारे पास? ये तीनों तो हमारे पास प्राइवेट बैंक हो गए, ये हमारा पब्लिक बैंक हो गया, है ना? तो कौन सा है स्टूडेंट? 3 और 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? DSIB की लिस्ट में कौन से दो बैंक हैं? ICICI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी? ओके जी, हाँ जी, सो लेट्स मूव फर्दर. हाँ जी, स्टेट आगे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. इट्स ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट. हाँ जी, पढ़ो. मैच करना है आपको लिस्ट 1 और 2 को. पहला कहता है नामधारी मूवमेंट के बारे में पूछा और फिर उससे रिलेटेड पर्सन से पूछे. नामधारी मूवमेंट किसने चलाई थी स्टूडेंट, बताओ? फिर निरंकारी, फिर राधा स्वामी, फिर आर्य समाज. वैसे पता है आपको आर्य समाज के बारे में, सबको पता होता है कि इट इज, इसके फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है? अच्छा, तो अब जो है ना, अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए. हाँ जी, हो गया, क्लियर है यहाँ पे? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट हमारा? बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, है ना? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है ना तो भी आप कर ले जाओगे, ठीक है? बी का, ए का हमारा है 4 और बी का हमारा है 2, ठीक है? बी का क्या है हमारा? 2 ऑप्शन, ठीक है? निरंकारी इज बाय गुरु बालक सिंह जी,
ठीक है, निरंकारी इज बाय गुरु बालक सिंह जी। सी का है 3। राधा स्वामी इज बाय दयाल दास, ठीक है। और डी का है हमारा 1, ये तो पता ही था, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज इज एस्टेब्लिश बाय दयानंद सरस्वती। तो ए का है हमारा है 4, शिवदयाल। नामधारी जो थे वो किया था हमारे शिवदयाल जी ने, ठीक है, शिवदयाल जी ने किया था, ठीक है। तो याद रखना स्टूडेंट, आर्य समाज बाय दयानंद सरस्वती, राइट। नामधारी इज बाय शिवदयाल, राइट। और राधा स्वामी इज बाय, सी का ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है, दयालदास। किसने किया था? दयालदास। और निरंकारी इज बाय गुरु बालक सिंह जी, ठीक है जी। ओके, तो क्लियर है यहाँ पे आपको स्टूडेंट, ठीक है जी। हाँ जी, तो आगे फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे। हाँ जी, तो 73 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कीजिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। कहते ए पर्सन हु इज नॉट अपॉइंटेड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ व्हाट। मैक्सिमम पीरियड बताना है स्टूडेंट, कितने टाइम पीरियड तक उनको क्या करके रख सकते हैं, मिनिस्टर बना के रख सकते हैं अगर वो मेंबर नहीं भी है तो भी, ठीक है। तो ऑप्शन चूज कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज 6 मंथ से अगर ऊपर कोई भी अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, और अगर वो मिनिस्टर बन जाते हैं तो 6 मंथ बाद वो उसकी मेंबरशिप वहाँ से उसकी छीन ली जाती है, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन 6 महीने से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकता, इवन प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, ठीक है, बिना इलेक्ट हुए, ठीक है, बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो वो भी 6 मंथ तक रहते हैं, उसके विद इन टाइम उनको सेलेक्ट, मतलब उनको नो यू नो इलेक्ट होना पड़ता है। दोनों हाउसेस में से कोई भी हो सकता है, कोई भी इधर हाउस, चाहे फिर लोकसभा का या फिर राज्यसभा, दोनों का मेंबर वो होना चाहिए किसी एक हाउस का, ठीक है जी। तो 6 मंथ के लिए, ओके जी, ओके। हाँ जी, 74 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए फटाफट से, 74 नंबर। हाँ जी, अटेम्प्ट करो। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज थ्रू विच अबव डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात की है स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना पहले उसको हाईलाइट कर लिया करो आप, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब कि ये ज्योग्राफी मैप का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी मैप का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो अगर आपका मैप चाहे फिर आपका वर्ड का हो, देखो आपको 3 मैप पढ़ने, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मैप से रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इंडिया का मैप, इंडिया में से तो आप कोई चीज़ लीव कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आपने लीव की और उसमें से क्वेश्चन आया और आपने एक्सक्यूज़ दिया कि हाँ जी मेरा तो तैयार नहीं था, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो मैप पढ़ा ही नहीं, ये सब एक्सक्यूज़ है फालतू की। इंडिया में से आपको होल मैप, चाहे फिर वो पॉलिटिकल है, माउंटेन है, रिवर है, कुछ भी है, मैं कहती हूँ आपको सब पता होना चाहिए, ए टू जेड आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ है, दैट इज़ योर पंजाब मैप। अब आप पंजाब का पेपर दे रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि मुझे पंजाब का मैप नहीं पता, या मैं उसको ड्रॉ नहीं कर सकता, या मुझे ये नहीं पता कि उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो फिर वर्थ नहीं है, आप वर्थ थे ही नहीं, आप डिज़र्व करते ही नहीं हो इस एग्ज़ाम को। फिर आपका थर्ड नंबर पे आता है स्टूडेंट वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप सब पढ़ लो,
नहीं, बट कुछ चीज़ें होती हैं स्टूडेंट जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, है ना, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री में से पास करती है, इंडिया में से कौन सी पास करती है। वर्ल्ड की मेजर रिवर्स लिख लीजिए स्टूडेंट, आप लिख लीजिए मेजर रिवर, मेजर बहुत बड़ी रिवर है कोई, उसके बारे में पता होना चाहिए, अमेजोन रिवर होगी जैसे, है ना। फिर मेजर माउंटेन, खास करके स्टूडेंट फोल्ड माउंटेन्स, कौन से फोल्ड माउंटेन लिख लीजिए स्टूडेंट आप साथ साथ, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। फिर इंडिया के साथ किसकी किसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है, एरिया वाइज, ठीक है, थोड़ा पता होना चाहिए आपको उसके बारे में, ठीक है, ओके। और फिर आपको एनवायरनमेंट का एक चैप्टर है स्टूडेंट, एनवायरनमेंट का एक चैप्टर है जिसमें आप ये पढ़ते हो कि वेजिटेशन कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी वेजिटेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, बस वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एल्टीट्यूड के ऊपर टेम्परेट में कौन सी ग्रास मिलती है, हमारे ट्रॉपिकल रीजन में कौन सी मिलती है, डेजर्ट में क्या है, ये चीज़ें, वर्ल्ड के मेजर डेजर्ट कौन कौन से हैं, है ना, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट वर्ल्ड मैप आप आराम से तैयार कर सकते हो, ठीक है, मतलब मीन्स आपको वर्ल्ड मैप सारा नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको इंडिया का बोला या पंजाब का बोला, उसमें से तो आपको छोड़ ही नहीं सकते, बट हाँ वर्ल्ड में से बस आप इम्पॉर्टेंट रिवर, माउंटेन्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास करता है, कहाँ से नहीं करता है, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है, वहाँ की इम्पॉर्टेंट हमारे माउंटेन रेंजेस, खास करके फोल्ड माउंटेन्स, रिवर्स, इनके बारे में या वेजिटेशन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो कौन कौन सी पास करती हैं ये पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी, तो पढ़िए कौन कौन सी पास करती हैं, हाँ जी, अब बताओ आप, तो सारों में से पास करते हैं स्टूडेंट, सारों में से, ऑस्ट्रेलिया, नेम्बिया, ब्राज़ील, चिली, इन सारों में से पास करते हैं। ब्राज़ील में से तो इनफैक्ट दो पास करती हैं, हमारा इक्वेटर भी पास करता है वहाँ से, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो पास करती ही कैप करती है, ठीक है, ओके जी, ठीक है, सारी हैं ये। नेक्स्ट, फिर से मैप पे क्वेश्चन पुट कर लिया उसने, लगातार दो क्वेश्चन पुट कर लिए। कहता था द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहता कौन से स्टेट में से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, तो गुजरात में से करती है, बिल्कुल करती है, झारखंड में से करती है, आसाम में से नहीं करती स्टूडेंट, मिजोरम में से करती है, हाँ जी करती है, मिजोरम के बाद हमारा कौन सा स्टेट आता है, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में से भी पास करती है ना जी, त्रिपुरा में से भी पास करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट में से पास करते हैं, तो सबसे पहले गुजरात, फिर हमारा राजस्थान, फिर हमारा मध्य प्रदेश, फिर हमारा छत्तीसगढ़, फिर हमारा झारखंड, फिर हमारा वेस्ट बंगाल, फिर हमारा मिजोरम, और फिर हमारा त्रिपुरा, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेट में से पास करती है इंडिया के कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है स्टूडेंट जो हमारी कंट्री को मिडल हाफ में से कट करती है, ठीक है, मिड हाफ में से क्या करती है स्टूडेंट, कट भी करती है, ठीक है, ठीक है जी। आसाम थोड़ा ऊपर रह जाता स्टूडेंट, ठीक है जी, हाँ जी। तो अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए 76, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंडियन हिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हो और पंजाब की से, दोनों की हिस्ट्री में कवर होगा, या काली मूवमेंट, ठीक है, हाँ जी, तो कवर कीजिए क्वेश्चन को। कहता था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तीन स्टेटमेंट पूछी हुई हैं, उनके बारे में आप पढ़िए और फिर क्वेश्चन कीजिए। आई थिंक सो कि आपका ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना, तो अटेम्प्ट कीजिए।
तो पहली स्टेटमेंट है द अकाली मूवमेंट स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रीइंग द गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ महंत. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट. अकाली जो मूवमेंट चली थी ना स्टूडेंट, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि गुरुद्वारों को क्या करना, खाली करवाना, किससे, कंट्रोल ऑफ महंत से. महंत स्टूडेंट आप ऐसा कह सकते हो जैसे कि किसी मंदिर का पुजारी होते हैं. अगर आपने कभी पुराने ट्रेडिशनल मंदिर देखे हों तो आप देखोगे कि जो मंदिर हैं और उनके जो पुजारी हैं वो जनरेशन टू जनरेशन एक ही हैं. एक ही जनरेशन के पर्सन हैं जो कंटिन्यू क्या बन रहे हैं, पुजारी बन रहे हैं कि बेटा पुजारी है, फिर उसका बेटा पुजारी है, फिर आगे उसका बेटा पुजारी है, तो इस तरीके से. ठीक है, तो महंत कुछ उसी टाइप का था और उन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया हुआ था. और मतलब उन्होंने गुरुद्वारों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह बनाया हुआ था. ठीक है, कि जो भी वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो हर डिसाइड कौन कर रहा था, महंत कर रहे थे. इवन बहुत गलत काम भी हो रहे थे वहाँ पे. ठीक है, महंत्स वर लॉयल टू द ब्रिटिश रिजीम. सबसे बड़ी बात कि वो ब्रिटिशर्स के लॉयल थे. पूरा इंडिया के लोग जो थे, है ना, इंक्लूडिंग पंजाब के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, वो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ. और गुरुद्वारों में बैठे हुए महंत जो थे वो ब्रिटिशर्स के क्या थे, लॉयल थे. और इवन आपको यू आर वेरी सरप्राइज्ड और इवन शॉक भी हो सकते हो कि जो जनरल डायर था, द प्रपरेटर ऑफ जलियांवाला बाग में जिसने मैसेकर किया और हजारों लोगों को मार दिया उस आदमी ने, इनोसेंट लोगों को. ठीक है, इवन उसको दो या एक, मुझे याद नहीं अभी, मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. आई थिंक एक या दो दिन पहले इवन उसको जो हमारा गोल्डन टेम्पल है उसमें उसको ऑनर भी दिया गया था. आप सोचो कि ऐसा बंदा जिसको गोल्डन टेम्पल में ऑनर मिला हो और फिर वो उसी टाइम में, ठीक है, एक या दो दिन के अंदर ही, और वो जलियांवाला बाग बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के साथ लगता है और वहाँ पे इनोसेंट लोगों को वो मार देता है. ठीक है, मैसेकर करता है उनका. ठीक है, वहाँ पे प्रपरेटर था वो जलियांवाला बाग मैसेकर का. ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, करेक्ट है. ओके स्टूडेंट, ठीक है जी. सो लेट्स मूव फर्दर. हाँ जी, 77 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फटाफट से. हाँ जी, 77 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द पीसेंट मूवमेंट इन पंजाब. पीसेंट मूवमेंट जो पंजाब के अंदर चली वो एसोसिएटेड थी किसके साथ, किसके साथ एसोसिएटेड थी? बाबा सोन सिंह, बाबा रोर सिंह, तेजा सिंह, सवंतर, वधवा राम, किनके साथ वो एसोसिएटेड थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको बताना है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है. हाँ जी, तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट इसका ऑल द अबव ही है. तीनों ही स्टूडेंट, बाबा सोन सिंह, बाबा रूर सिंह, तेजा सिंह और वेदवा सिंह, चारों ही क्या थे स्टूडेंट, पीसेंट मूवमेंट के अंदर इंक्लूड थे. ठीक है, ओके जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे. ठीक है जी, सो नेक्स्ट आप 8th नंबर क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे. हाँ जी, कहता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू व्हाट. तो बताइए कौन सा एसोसिएटेड है? तो सरतोरी. ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सरतोरी. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आप जो है ना अवॉइड भी कर सकते हो इवन. ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट किसी को नहीं आते होते. कोई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसी ने पढ़ी हो अलग से, पॉलिटिकल थ्योरी उसका ऑप्शनल हो, या उसने एमएससी कर रखी हो, एमए, या उसने ग्रेजुएशन कर रही हो, फिर तो चाहे वो अटेम्प्ट कर दें. हालांकि इससे कोई ज़्यादा कोई कंपटीशन पे कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है. खास फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट कंपटीशन के अंदर जब वो क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं जो सभी सही करके आ रहे हैं, है ना. ऐसा क्वेश्चन जो सभी सही करके आ रहे हैं, अगर आपने वो गलत किया तो आप फिर कंपटीशन से ऑलमोस्ट बाहर ही हैं. फिर आप मान के चलिए कि हाँ जी आप कॉम्पिटिशन से बाहर हैं. कॉम्पिटिशन एक्चुअल में होता है स्टूडेंट उन क्वेश्चन के ऊपर जो आपकी एक डेप्थ के बाद आपको समझ में आने शुरू होते हैं, या जिन क्वेश्चंस को आप कर ले जाते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, जो डेवलप होती है आपकी मेहनत के साथ साथ, है ना. अदरवाइज पेपर में अगर फॉर एग्जांपल अगर पेपर आपका
मीडियम रेंज में है, मतलब ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ना ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट जितना सब पढ़ के आए हैं, अगर आपने उतना पढ़ रखा है तो सभी के सभी आप मान के चलिए कि 50 to 60% पेपर जो है वो कर ले जाएंगे, सभी कर ले जाएंगे, है ना। और अगर आप वो इतना भी नहीं कर ले पा रहे तो आप वैसे ही कॉम्पिटिशन से बाहर। फिर बचता है 10 to 20% पेपर बचता है जिस पे मेन खेल चलता है, ठीक है, जिस पे आप इन और आउट होते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके उन्हीं 20-25 पे, ठीक है। और असली मेहनत वही 20-30% प्रिपेयर करने में लगती है, अदरवाइज़ बाकी तो सब करके बैठे ही हैं, है ना। और आपने भी किया होगा, जाहिर सी बात है लास्ट तक आप कर ही लोगे, ठीक है। ओके, तो ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट आप स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो 79 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए स्टूडेंट फटाफट से। कहता था प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम एंड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज विक्ट्रीज एट द पोल्स रिजल्ट्स इन व्हाट, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, ठीक है, उनको ना अपॉइंट करने लग जाती हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत कर आती है। ये होता क्या है ना स्टूडेंट, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी अभी आपने न्यूज़ देखी होगी कि जो मोदी जी हैं वो बहुत सारे यू नो टेंडर जो हैं वो कंटिन्यू दे रहे हैं अडानी ग्रुप्स को, है ना। तो ये क्या है एक तरीके का, ये ऐसा है स्टूडेंट की मे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, प्लीज़ इसको ऐसे ऑफेंड नहीं होना है। मे भी ऐसा हो सकता है कि जब गवर्नमेंट यू नो इलेक्शंस में उसको पैसा चाहिए था उस टाइम पे अडानी ने बहुत सारा पैसा दिया हो, है ना, एंड आफ्टर दैट अब गवर्नमेंट जो है उसके बदले उनको क्या कर रही है, यहाँ पे बहुत सारे टेंडर दिला रही है ना कम रेट्स पे। तो बिल्कुल वैसे ही है स्टूडेंट की जैसे मान लो कोई पार्टी जीत कर आई और फिर वो अपने फेवरेट जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है सो दैट उनको कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने में दिक्कत ना आए, ठीक है, भर भर के वो करप्शन कर पाएँ, मनी लॉन्ड्रिंग कर पाएँ, ठीक है। ऑब्वियसली क्योंकि ठीक है दे आर पॉलिटिकल, दे आर लेजिस्लेचर्स, बट रियलिटी में एग्जीक्यूटिव कौन है, आईएएस ऑफिसर। जैसे आप पीसीएस में अब सेलेक्ट हो जाओगे तो आप ऑफिसर्स बनोगे, है ना, रियलिटी में तो आपके पास पैसा आएगा ना, एग्जीक्यूट तो आपको ही करना है। और अगर आप गवर्नमेंट के उसमें नहीं हो और आप अपना काम ऑनेस्टी से कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनको पैसा खाने का मौका नहीं मिलेगा, है ना, करप्शन होगी नहीं। तो गवर्नमेंट के पास पैसा, गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास पैसा कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं, राइट। तो क्या है द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है, और विक्टोरियस जो पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ वो किस तरीके से अपनी अपॉइंट करती हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गेरीमेंडरिंग, ठीक है जी, ओके। ये तीन चार टर्म्स हैं स्टूडेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके ओके। सॉरी 79 का है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज स्पॉइल सिस्टम ना कि गेरीमेंटरिंग, ठीक है, स्पॉइल सिस्टम, ठीक है जी, ओके, स्पॉइल सिस्टम इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ओके, लेट्स मूव फर्दर। हाँ जी, तो 80 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए यहाँ पे। हाँ जी, कहता है ट्रांजिशन जोन बिटवीन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड व्हाट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इवन आई मस्ट से कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने उसको बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन जोन क्या होता है स्टूडेंट, बीच में इसको बोलते हैं इकोटोन। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया है, और इधर वाली साइड मान लो इधर वाली साइड कोई डेजर्ट है, ठीक है, इधर वाली कोई साइड डेजर्ट है, तो ये जो बीच का एरिया होगा स्टूडेंट, बीच का एरिया होगा, इसको हम बोलते हैं बफर जोन, या इसी को हम ट्रांजिशन जोन भी इसी को कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रांजिशन जोन, ठीक है, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ऐसी स्पीसीज रहेंगे, ऐसी यूनिक स्पीसीज रहेंगे स्टूडेंट जो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच के एरिया में क्या करें, सर्वाइव कर सकें, ठीक है, दिस इज़ वी कॉल्ड ट्रांजिशन जोन। यहाँ पे देखो ना आप, यहाँ पे घना जंगल है और इधर वाले साइड डेजर्ट है, तो क्या है एक तरीके का यू नो एक ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, आप एक फॉरेस्ट से निकल डेजर्ट की तरफ जा रहे हो, तो उसके बीच का जो जोन होता है ट्रांजिशन जोन, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इकोटोन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इकोटोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट का क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट का स्टूडेंट टॉपिक है, इवन इसको हम क्लास में भी कवर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है जी। सो दिस इज वी कॉल्ड इकोटोन,
ठीक है जी, ओके स्टूडेंट, ठीक है जी, तो इस सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं स्टूडेंट। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अनाउंस करूँगी कि हमारा PCS का न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन आप फटाफट से कीजिए स्टूडेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। ये लाइव बैच है हमारा, राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल हैं, राइट, जिसमें भी आपके यू नो कंफर्टेबल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। इसी के साथ मैं सेशन ओवर करती हूँ, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।